मुल्क भर में मसीही बरादरी गिरजाघरों में इबादत के बाद अब घरों में भी क्रिसमस भरपूर तरीके से मना रही हैं। ख्वातीन की क्रिसमस पर अपनी ही हैं खास तैयारियां। हमारे नुमाइंदा मानिया शकीर इस वक्त कराची के एक मसीही घराने में मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं। मानिया, क्या मसरूफियात हैं क्रिसमस के मौके पर? जी बिल्कुल, जैसे दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, वैसे कराची वाले क्यों पीछे रहे? कराची के मुकीम मसीही बरादरी के लोग भी खुशी से इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने घर में लोगों ने तैयारियां की हैं। मैं इस वक्त किसी घर में मौजूद हूँ, मसीही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई उनकी क्या तैयारियाँ हैं और वो किस तरीके से मना रहे हैं ये त्यौहार। ये बताइएगा, सारी तैयारियां हुई हुई है, बहुत माशाल्लाह सब अच्छा लग रहा है। ये जो है आपकी तैयारियां भी नजर आ रही हैं। घर के बड़ों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्या तैयारियां की हैं आपने? मैंने सबसे पहले हम चर्च गए, दुआ की, चर्च से आके हमने केक काटा, वो खाया। फिर सुबह मॉर्निंग में उठते ही हमने सारे मेरे जितने भी, मैं क्योंकि बड़ी हूँ, बड़ी होने के नाते मैं अपने सारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ, अपने बच्चों को बुलाती हूँ, मैं नानी दादी हूँ, तो सबको गिफ्ट देना, लेना, सब कुछ करना, केक काटना, खाना बनाना, गिफ्ट देना, ये सब कुछ मेरी होती है। क्रिसमस के लिए हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, इवन एक महीने से पहले ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी थी, और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, इवन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लें। बिल्कुल, खवातीन का यही हाल है हर जगह कि चाहे जितना तैयार हो जाए यही कहना होता है कि हम वैसे ही तैयार हो गए, लेकिन शॉपिंग तो लास्ट मिनट तक जारी रहती है। भरपूर मेकअप, ज्वेलरी और भरपूर तैयारियों के साथ ये त्यौहार भी बहुत खुशी खुशी मनाया जा रहा है। जी।